लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने ही वाली है और इसे लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपने तैयारियों को पूरे करने के लिए युद्ध स्तर पर जो कार्य हैं साफ सफाई के वो चल रहे हैं। इस वक्त हम हार्वेस्टर मशीन के ऊपर हैं और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यह मशीन पूरा वर्क करता है और खास तौर पर झील में जो जलकुंभियों का समस्या था और काफी विकराल रूप ले चुका था उन समस्याओं का निवारण के लिए इस हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से साफ सफाई जो है वो करवाई जा रही है। देख सकते हैं कि इस मशीन में एक जो रैंप है वो लगा हुआ है और इसी रैंप के माध्यम से जो जलकुंभियां हैं उन्हें पूरे तरीके से वो ऊपर खींचता है और ठीक उसके बाद हमारे इस ओर आप देखेंगे कि सारा स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद इन जलकुंभियों को किनारी सतह पर जो है वो रखा जाता है और जहाँ से फिर जो सफाई मित्र हैं उनके माध्यम से उन जलकुंभियों को जो शहर के दूर के इलाके हैं वहाँ जा कर के उसे डंप किया जाता है। हमारे साथ नगर निगम के जो प्रधान जमादार हैं वो मौजूद हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि छठ अब नज़दीक है, दीपावली संपन्न होते ही छठ आ जाएगा, क्या लगता है कि जिस तरीके से जलकुंभियों ने पूरा डेरा बना रखा है झील में वो सफाई मुकम्मल हो जाएगी? हर साल की बात है, इस साल भी हम लोग युद्ध स्तर पर काम लगाए हुए हैं और छठ पर्व के पहले हम लोग ये पूरा सर सफाई कर दिया जाएगा और सारा जलकुंभी हटा देंगे। कितना देर अभी मशीन चल रहा है झील में? मशीन करीबन एक हफ्ता से चल रही है रेगुलर और सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक डेली चलती है। सुबह 7 से शाम 4 बजे तक थी। उम्मीद जाहिर लगाई जा सकती है कि जिस तरीके से निगम की पूरी टीम लगी हुई है साफ सफाई में, तो उम्मीद है कि दीपावली के 1-2 दिन के अंदर जो है वो सफाई पूर्ण कर ले जाएगी। एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा जो झील का नज़ारा है वो देखें। जलकुंभी है वो कहीं ना कहीं पूरे झील को अपने कब्जे में कर रखा था और इसी हार्वेस्टर मशीन के माध्यम से ऐसा पॉसिबल है कि इन्हें साफ किया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, हजारीबाग अपडेट्स।